खबर अल्मोड़ा से है, जहां मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं, जिसकी सुधार की मांग लेकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने सोमवार को प्राचार्य कक्ष के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पुरजोर मांग की। जानकारी के अनुसार उन्होंने प्राचार्य को उनके कक्ष में ही बंद कर दिया। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहां इसलिए करवाई गई थी कि समस्त पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को अल्मोड़ा में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके, लेकिन मेडिकल कॉलेज के नाम पर यह लोगों को समान उपचार देने में भी असफल साबित हो रहे हैं। वहीं प्राचार्य ने कहा कि जल्द ही ब्लड बैंक खुलने सहित अन्य समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। इसी बीच बिट्टू कर्नाटक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वह आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। इतना आश्वासन के अब रेफर नहीं किया जाएगा, अब ब्लड बैंक खुल जाएगा 10-12 दिन के भीतर, अब वहाँ अल्ट्रासाउंड होने लगेंगे, कई विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी क्योंकि लगातार वॉकिंग इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारी मांग बहुत बेसिक मांग है, हमारा कहना है कि तत्काल प्रभाव से कोई पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको पहले देखा जाए, अगर नहीं हो सकता, मैं भी मान रहा हूँ कुछ परेशानियां होती हैं, अगर कोई तगड़े कॉम्प्लिकेशन है उसको रेफर किया जाएगा, लेकिन अगर जो सामान्य कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको मुझे लगातार प्रधानाचार्य से बात करनी पड़ती है, जिनका बिना कुछ किए बिना ऑपरेशन के सामान्य तरीके से बच्चा हो रहा है, अगर उनको ऐसी परेशानी नहीं है तो उनको रखा जाना चाहिए, क्योंकि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ये पहाड़ का है, ये पर्वतीय क्षेत्र के पहाड़ी लोगों का है, और अगर इसको रेफरल सेंटर बना के रख दिया जाएगा तो लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होगी, और नहीं तो फिर से हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। अभी हमारे यहाँ पे जैसे ब्लड बैंक के लिए की बात हो रही थी, ब्लड बैंक का जो है हमें लाइसेंस मिल गया है, और मैं अभी सभी जनता को और यहाँ पे आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस महीने जो है हमारा जो है ब्लड बैंक जो है सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है भारत सरकार से उसकी परमिशन मिल गई है, तो ये जल्दी ही हम यहाँ पे जो है ब्लड बैंक की एक सुविधा हो जाएगी। इससे जो है पूरे कुमाऊं के जितने भी पहाड़ी जिले हैं उन सभी को जो है यहाँ पर राहत मिलेगी ब्लड की वजह से, फिर यहाँ से कोई भी पेशेंट जो है यहाँ से रेफर नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जो है एक बेहतर इलाज मिले।